पड़मीय शिरसा विशुद्ध भावेण तिथ्यरम भावे मिहु अपविशो हि कारण ठमय। तिथ्यर भावना नाम के इस ग्रंथ में आज हम 11वीं भावना पढ़ेंगे, आयरी भक्ति भावना। जैसे अरियंत भगवान की भक्ति तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण होती है, वैसे ही आचार्य परमेष्टि की भक्ति भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण कही जाती है। तो उसी आचार्य भक्ति की भावना को भाने के लिए इन गाथाओं का हम आलम्बन लेते हैं। गाथा नंबर 82। जगदोद्धारक चेदा नियप्पडो भावगो पयत्तेण आयरियो बहुपुण्यो भव वै दरणी तरण तरणी। जो आचार्य होते हैं उनकी यहाँ विशेषता बताई जा रही है। सबसे पहले उनकी विशेषता बनती है जगत उद्धारक चेदा, जगत का उद्धार करने वाले वो आत्मा होते हैं, क्योंकि आचार्य परमिष्ठि हर तरह से अनेक जीवों को भी शिक्षा दीक्षा आदि दे करके उनका उद्धार करते हैं और अपने प्रभाव क्षेत्र में आई हुई अनेक सामाजिक विसंगतियों को भी दूर करके वह उनको दूर करके उन विसंगतियों के माध्यम से अपने आप का और दूसरे का भी हित करते हैं। इस तरह से जब हम देखते हैं तो वो जगत के उद्धारक चेदा माने आत्मा कहलाते हैं। तो जगत का उद्धार करने के लिए जिस किसी भी तरह की भावनाएं या ज्ञान उन्हें जगत के उद्धार के लिए प्राप्त होता है वो उनके पास में होता है। लेकिन इसके साथ साथ वो क्या करते हैं, निय अपड़ो भावगो पयत्तेण, वह प्रयत्न पूर्वक निज आत्मा की भावना करने वाले भी होते हैं। निज आत्मा को हमेशा भाने वाले जो पंचाचार से युक्त होते हैं वह अपने दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, वीर्याचार और चारित्राचार, ऐसे पंच आचारों से अपनी निरंतर आत्मा की भावना करने वाले होते हैं। ऐसे आयरियो बहुपुण्यो, ये जो आचार्य परमेष्टि हैं ये बहुत ही पुण्यवान होते हैं, है ना? क्योंकि जो भी यशह कीर्ति होती है या जो कुछ भी प्रतिष्ठा होती है या जो कुछ भी जगत का उद्धार करने की शक्ति आती है, ज्ञान आता है, ये सब कुछ पुण्य के माध्यम से ही आता है। तो ये बहुत पुण्य आत्मा कहलाते हैं। ऐसे आचार्य और कैसे होते हैं, भव वै तरणी तरण तरणी, संसार रूपी वै तरणी को तरने के लिए, ये तरणी माने नौका के समान होते हैं, लघु नौका, छोटी नौका को तरणी बोलते हैं। आप लोग पढ़ते हो ना जो आचार्य श्री ने लिखा है, तरणी विद्या सागर गुरु तहरो मुझे रसीस। तो तरणी का मतलब होता है जो नौका के समान है। तो भव माने संसार रूपी वैतरणी को तरने के लिए जो लघु नौका के समान है, ऐसे आचार्य बहुत पुण्य आत्मा है, अपनी आत्मा की भावना करने वाले और जगत के उद्धारक चेता होते हैं। इस भाव को ही हम पद्यानुवाद में पढ़ते हैं। निज आत्म उद्धार हेतु जो साधु बने हैं भावों से, साथ साथ जग का कल्याणक बने सूरी सद्भावों से, स्वयं पुण्य से बने पुण्य से लाभ मिले आचार्य का, भव वैतरणी पार करन को नाव मिली फिर अचरज क्या। ऐसे ही आचार्य परमेष्ठी की
भक्ति करने के लिए हमें उनके और भी गुणों को ध्यान में रखना होता है। बहुजम पुण्य दो खलु, विपरिफुरदीजस्य लोगमि। बहु जन्म पुण्य दो, बहुत जन्मों के पुण्य से क्या है वास्तव में, खलु दिस्यति माने दिखाई देती है, मुक्ति गुण भरी है देवस्य, यानी गुणों से भरे हुए उन आचार्य देव की जो मूर्ति है यानी उनका जो दर्शन है वह हमें बहुत जन्मों के पुण्य से प्राप्त होता है। समझ रहे हैं, मतलब आचार्य परमेष्ठि का दर्शन भी अपने को पुण्य से मिलता है, और जो आचार्य अनेक प्रकार के गुणों से भरे हुए हैं उनके दर्शन लाभ से भी हमारे अंदर अनेक तरह के चारित्र मोहिनी कर्मों का जो क्षयोपशम है वो वृद्धि को प्राप्त होता है। तो बहुत जन्मों के पुण्य से ऐसे आचार्य देव की मूर्ति, उनका शरीर, उनका दर्शन होता है। जो आचार्य धम्मस्य वा पताका, धर्म की पताका होते हैं, है ना, धर्म की ध्वजा को फहराने वाले, क्योंकि धर्म के वह नायक होते हैं और उनके लिए ही वह धर्म का नायकत्व होता है, जिसके कारण से वह हर तरीके से जो जिनेंद्र भगवान का धर्म है वह लोगों तक पहुंचाते हैं, इसलिए उनको धर्म की पताका कहा गया। विप परिफुरदी जस्य लोगम्मी, और धर्म की पताका जो लोक में जिनके द्वारा स्फुरायमान होती है, हमेशा फेरती रहती है, ऐसे वह आचार्य परमेष्ठि अनेक गुणों से जो भरे हुए होते हैं उनके दर्शन भी हमें अनेक जन्मों के पुण्य से प्राप्त होते हैं। तो जब हम आचार्य परमेष्ठि के दर्शन करें या करते हैं तो हमें इस तरह का भाव भी आना चाहिए कि ये हमारे बहुत जन्मों के पुण्य का फल है, जिसके माध्यम से हमें इस तरह से आचार्य परमेष्ठि के दर्शन हो रहे हैं। तो कोई भी चीज़ की महत्ता तब होती है जब हम उसी तरह की भावना अपने अंदर रखें। अब मान लो हमको अपने पुण्य के उदय से वो दर्शन हो भी गया, लेकिन हमने ऐसा महसूस नहीं किया कि ये हमारे पुण्य के उदय से हुआ तो हमारे अंदर कभी भी वो एक धन्य भाव नहीं आएगा कि हम धन्य भागी, धन्य हो गए हम, वो वाला भाव नहीं आएगा। तो जो ये जानते हैं कि इस तरह के दर्शन आदि भी बहुत जन्मों के पुण्य से प्राप्त होते हैं, तभी वह इस तरह का भाव करते हैं कि ये हमारा धन्य दिवस हो गया, धन्य हमारे नयन हो गए, धन्य हमारा जीवन हो गया। तो इस तरह की जो भावना है यही भावना आचार्य भक्ति की भावना कहलाती है। अब केवल आचार्य भक्ति का मतलब इतना ही नहीं है कि हमने एक चार लाइनें पढ़ ली जो हम प्रतिदिन पढ़ते ही हैं, है ना, और केवल वंदना करने के लिए जो आचार्य भक्ति पढ़ी जाती है केवल उतना पढ़ लेना, तो उतनी ही आचार्य भक्ति भावना नहीं है। आचार्य भक्ति भावना में ये चीज़ आएगी कि हम उनकी भक्ति करने के लिए इस तरह से अपने आप को भावना के रूप में तैयार रखें, है ना। तो ऐसी भावना जब हम करते हैं तब वह आचार्यों के प्रति हमारे अंदर भक्ति का भाव आता है, और वही भावना विशेष रूप से पुण्य बंध देने वाली और तीर्थंकर आदि कर्म का बंध करने वाली होती है। हाँ, दर्शन करने के भाव हो रहे हों, आंसू आ रहे हों, नाक भी बह रही हो और फिर भी दर्शन नहीं हो पा रहे हों, अगर इतना भावों में भावुकता है आचार्य के दर्शन के लिए, तो वो भी आचार्य भक्ति की भावना में ही आएगा, है ना। इसी तरह से और भी हम उनके गुणों को देख करके ही उनके प्रति भक्ति भाव ला सकते हैं ना, इसलिए आगे और भी उनके गुण क्या होते हैं जिसके कारण से हम उनको देख सकते हैं और उनकी भक्ति कर सकते हैं।
हाँ, सपने में आहार तो बहुत लोग देते रहते हैं। अब जिनको सुबह से शाम तक आहार ही देने का काम है, वो सपने में ही आहार देंगे, और क्या करें। चलिए, गाथा नंबर 84। जस्य निम्मल कित्ति छाद यदि, अच्छा इसकी हिंदी भूल जाता हूँ, हिंदी पढ़ना। जन्म जन्म के पुण्य भविक जन जब संचित कर लेते हैं, गुड़ गड़ भरे देह सूरी की दिव्य मूर्ति तब लखते हैं, सर्वलोक में जिनकी महिमा जैन धर्म को बता रही, उन आचार्य देव की जग में धर्म ध्वजा पथ बता रही। जस्य अणिमल कित्ति छाद यदि चंदिगे वदिगंधराणि हृदयम करेदि सीदम ससिमो सूरी सया जयो। कहते हैं जस्य अणिमल कित्ति, जिन आचार्य परमेष्ठी की निर्मल कीर्ति छाद यदि है ना आच्छादित कर देती है, चंदिगेवत दिगंतराणि चांदनी के समान दिगंतरों को आच्छादित कर देती है, यानी सभी दिशाओं में जिनका जिनकी निर्मल कीर्ति फैली रहती है, चंद्रमा की चांदनी की तरह जिनकी निर्मल कीर्ति सभी दिशाओं में फैलती रहती है। हृदयम करेदि सीदम, ऐसे वह आचार्य जो जिनका नाम लेने से जिनका ध्यान करने से हृदय शीतल हो जाता है ना, जो यहाँ पर चंद्रमा के समान उपमा दी गई है कि वह चंद्रमा की चांदनी जिस तरह से कीर्ति के रूप में होती है चंद्रमा की, तो वह चंद्रमा का पता चांदनी से ही चलता है ना। तो इसी तरह से जिनकी निर्मल कीर्ति के माध्यम से जिनके धर्म का पता चलता है, और जैसे चंद्रमा शीतलता देता है वैसे ही वह आचार्य परमेष्ठी भी हृदय को शीतलता प्रदान करने वाले होते हैं, है ना। ससी मुह सूरी सया जयु, है ना, ऐसे चंद्रमा के समान मुख वाले हुए सूरी माने आचार्य परमेष्ठी सदा जयवंत हो। तो हम आचार्य भक्ति करते हुए ये भी भावना कर सकते हैं कि जिनकी कीर्ति इस तरह से पूरे दिग्दिगंतरों में फैली हुई है, ऐसे आचार्य सदा जयवंत हों। तो इस तरह की भावना से हमारे अंदर आचार्य भक्ति भावना आती है। अब हम आचार्य भक्ति भावना भाएंगे तो कैसे भाएंगे, तो इसी तरह की भावनाओं से भाएंगे। तो जिनके गुणगान हमें सब जगह सुनाई पड़ते हैं और जिनके सभी तरह के ज्ञान और तप आदि के आचरण से सभी लोग संतुष्ट रहते हैं, ऐसे वह आचार्य परमेष्ठी हृदय को शीतलता उत्पन्न देने करने वाले सदा जयवंत हों, इस तरह की भावना करना ही आचार्य भक्ति भावना कहलाती है। जिनकी जग में निर्मल कीर्ति दिगंतरों में छाती है, जैसे चंद्र चांदनी नभ में उजली उजली भाती है, चंद्र तुल्य जिनका मुखमंडल दर्शन शीतलता देता, रहे सदा जयवंत जगत में सूरी दर्श अघहर लेता। आगे जो दीवो बपयासई जिणमग्गम नयजुदम हिणिल्लोहो वद समिधि गुत्तिपुण्णो सोआयरियो सदा जयउ। वह आचार्य परमेष्ठी सदा जयवंत हों, सोआयरियो सदा जयउ, जो कैसे हैं दीपक के समान जिणमग्गम पयासे। दीवो ब यानी जो जिनेन्द्र भगवान के मार्ग को दीपक की तरह प्रकाशित करते हैं,
जैसा जिनेंद्र भगवान का मार्ग है वह उसी तरह से उसको दिखाते हैं, इसको बोलते हैं प्रकाशित करना। वो कैसा होता है तो नय जुदम, नयों से युक्त होता है। जिनेंद्र भगवान का मार्ग नयों से युक्त है, माने व्यवहार नय और निश्चय नय, द्रव्यार्थिक नय या पर्यायार्थिक नय, इनके माध्यम से ही वस्तु तत्व का स्वरूप कहा जाता है। तो वह नयों से युक्त उस जिनेंद्र भगवान के मार्ग को हमेशा इस तरह से दिखाते हैं, प्रकट करते हैं कि सभी को वह व्यवहार नए, निश्चय नए, द्रव्यार्थिक नए, पर्यायार्थिक नए के माध्यम से तत्व का ज्ञान हो जाता है, और किसी को भी कोई संदेह होते हैं तो वह भी दूर हो जाते हैं। तो इस विषय में उन्हें किसी भी प्रकार का लोभ नहीं होता है ना, निर्लोहो। यानी यहाँ पर हमें आचार्य परमेष्टि की एक विशेषता ये देखनी चाहिए कि वह व्यवहार और निश्चय नय का व्याख्यान करने में किसी भी प्रकार के लोभ से युक्त होकर के है ना जिनेंद्र भगवान के मार्ग को कुछ अन्यथा रूप से प्ररूपण नहीं करते। तो यह निर्लोभ होने पर होता है। कभी कभी ऐसा देखने में आता है किन्हीं भी तरह के लोभ आदि के कारण से भी हम कोई ये चाहे हम व्यवहार नय का ही अधिक समर्थन करें या निश्चय नय का ही अधिक समर्थन करें तो इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोभ आदि के परिणामों से इस तरह का समर्थन होता है। तो यहाँ पर हमें भक्ति करते हुए यह देखना होता है कि हम जिन आचार्य परमेष्टि की भक्ति कर रहे हैं वह हमेशा दोनों प्रकार के नयों के माध्यम से वस्तु स्वरूप बताते हैं। उन्हें इस तरह का लोभ नहीं होता कि किसी भी एक पक्ष के लोग हमारे लिए ज़्यादा आकर्षित हों और हम जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा पूज्य बने या उनके समर्थक बने, इस तरह का उनके अंदर भाव नहीं होता। तो कोई भी एक पक्ष होता है, व्यवहार नय, निश्चय नय, इस तरह के पक्ष अपने को देखने में आते ही हैं, लेकिन वह अपनी देशना में, अपने वचनों में निर्लोभ भाव से व्यवहार और निश्चय दोनों की समायोजना करके ही उपदेश देते हैं। तो इस तरह से वह जो जिन मार्ग को प्रकाशित करते हैं यह उनका प्रकाशन अपने आप में अद्भुत होता है। वद समिति गुत्ति पुंडो, और वह आचार्य परमेष्टि व्रतों में, समितियों में, गुप्तियों में परिपूर्ण होते हैं, है ना। ऐसे वह आचार्य परमेष्टि सदा जयवंत हो जो हमेशा व्रतों का पालन करने में, समिति और गुप्तियों का पालन करने में निरंतर निरतिचार रूप से अपने अंदर वह परिपूर्णता को धारण करते हैं। दोनय की आँखों से सबको गुरुवर पथ दिखलाते हैं, बिना लोभ के ज्यो स्वभाव से दीप प्रकाश दिखाते हैं, व्रत समिति गुप्ति से पूरण पंचाचार परायण है, जयवंते आचार्य देव जो नर हो कर नारायण है। आगे और कहते हैं तिथियर दिव्य झुणी मई अंजुलिणा ही सूरिणा पी दो पायई पड़ो अन्नम सोआयरियो सदा जयऊ। तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि मति रूपी अंजलि के माध्यम से जिन आचार्यों ने पी ली है, मति अंजलि का मतलब यह है कि जैसे कोई बहुत बड़ा जल का स्रोत हो तो हम उसे अपनी अंजलि के बराबर ही अपने कंठ तक ले जा पाते हैं, जितना हम अपनी अंजलि में ले पाएंगे। तो उसी तरह से भगवान की दिव्य ध्वनि तो बहुत विशाल, बहुत गंभीर है, बहुत बड़ी है, लेकिन जितनी बुद्धि होती है, जितना अपने ज्ञानावरण कर्म का क्षुपसम होता है, मति ज्ञान का, श्रुत ज्ञान का, उसके अनुसार वह अपनी मति रूपी अंजलि में उस दिव्य ध्वनि को धारण करके वह सारा का सारा श्रुत ज्ञान उनके अंदर अवधारित हो जाता है। तो उसी को बोलते हैं कि जिन सूरी ने अपनी मति अंजलि के द्वारा भगवान की दिव्य ध्वनि को पी लिया, माने जितना उनके अपने अंदर ज्ञान का क्षुपसम था उसके अनुसार वह श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान के माध्यम से वह भगवान की दिव्य ध्वनि से तत्व को जान पाए, और स्वयं भी पिया और पाए ही पुणो अन्नम, अन्यों को भी वह पिलाते हैं, यानी वही तत्व का ज्ञान वह दूसरों को भी कराते हैं। तो जो वस्तु स्वरूप उन्होंने समझा
वही दूसरों को भी वो समझाते हैं। तो यही वह पीने और पिलाने की चीज होती है जिसे हम धर्मामृत कहते हैं, है ना। तो जो हम स्वयं भी पियेंगे तो वो भी हम अपनी बुद्धि के क्षेत्रफल के अनुसार पी पाएंगे, और दूसरों को जो पिला पाएंगे उसमें भी कुछ ना कुछ बुद्धि के क्षेत्रफल के साथ और भी अन्य चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो वो सब पुण्य के कारण से ही दूसरे लोगों को भी हम उस धर्मामृत का दान दे पाते हैं। तो इस तरह से वह आचार्य हमेशा भगवान जिनेन्द्र देव के तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि से प्राप्त उस ज्ञान को स्वयं और दूसरों के लिए भी निरंतर देते रहते हैं। ऐसे वह आचार्य परमेष्ठी सदा जयवंत होवे। तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि का अति अथाह वचपान किया, अपनी मति अंजुलि से जिनने पिया स्वयं फिर पिला दिया। जो पाया वह बांट रहे हैं निज पर उपकारक आचार, रहे सदा जयवंत जगत में परमेष्ठी पद धारक आर्य। आगे और उन आचार्यों की विशेषता बताते हैं। जो खाई लाहेण कुण दिए गंतगे ही सम्मोहम, नेयम विनाशय समधिम, सोआयरियो सदा जयो। नेव विनाशय समधिम, सोआयरियो सदा सया जयो। और क्या विशेषता है कि जो खाई लाहिर न कुदई एगंत गई सम्मोह, यानी एकांती मतों के लोगों के साथ जो सम्मोह को प्राप्त नहीं होते, इससे ख्याति लाभ के कारण से। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एकांत मत को धारण करने वाले, है ना, जगत में बहुत सारे मत मतांतरों को धारण करने वाले लोग होते हैं, और वह लोग भी ऐसे आचार्यों के निकट में संपर्क में आते हैं, और उनके माध्यम से भी आचार्यों को लगता है या किसी को भी लग सकता है कि इनका अगर हम थोड़ा सा क्या करें, समर्थन करें, तो हमारी भी ख्याति पूजा लाभ बढ़ सकती है। तो इस तरह के समर्थन के माध्यम से वो कभी भी अपनी ख्याति पूजा को नहीं चाहते, है ना। कभी कभी ऐसे प्रसंग आते हैं जो जिस लाइन का होता है वो उस लाइन की बातों को ज़्यादा समझता है। तो ऐसे प्रसंग जब आते हैं तो उस समय पर ख्याति पूजा लाभ की अपेक्षा किए बिना किसी भी तरह के एकांत मत का समर्थन नहीं करें, वो आचार्य परमिष्ठी ही सदा जयवंत हो। क्योंकि जो आचार्य होते हैं वो एक तरह से अपनी कीर्ति को जैन जगत में तो धारण करते ही हैं, लेकिन जैनों के साथ अनेक अजैन लोग भी उनको जानते हैं। तो अनेक अजैन लोग या और भी कोई एकांत पक्ष के जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो भी उनके संपर्क में आते हैं। तो कभी ऐसा भावना आए कि हम इनके संपर्क में आने से हमारी ख्याति और बढ़ जाएगी, या हम इनके साथ कुछ अच्छे प्रोग्राम कर लेंगे तो कुछ ज़्यादा अपना, है ना, नाम हो जाएगा, तो इस तरह की बातें आने से भी कई बार हम एकांत मत का समर्थन कर जाते हैं। तो जो आचार्य होते हैं वो इन चीज़ों से बचते हैं। तो ये उनके गुणों का गान है, वस्तुतः तो गुणों का गान ये कहलाता है कि हम भीतर से उनके गुणों का गान करें, है ना। ज़्यादातर जो श्रावक लोग होते हैं या कोई लोग होते हैं वो तो केवल बाहर बाहर से गुणों का गान करते हैं, है ना। तो वो बाहर बाहर के गुण अलग होते हैं और भीतरी गुण ये अलग होते हैं। भीतरी गुण अलग होते हैं और बाहरी गुण अलग होते हैं। तो भीतरी गुण का मतलब किसी भी प्रकार का ऐसा लोभ नहीं होना, किसी भी प्रकार की ऐसी ख्याति पूजा का भाव नहीं होना, ये भीतरी गुण हुए। बाहरी गुण क्या है कि जो उनका त्याग है, आचरण है, ये सब बाहरी चीजें जो हमें दिखाई देती है वो बाहरी गुण हो जाते हैं। तो बाहरी गुणों के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन भीतरी गुणों के बारे में भी हमें इस तरह से ध्यान रख करके उनकी भक्ति भावना और विशेष रूप से हमें बढ़ानी चाहिए। तो ऐसा यह आचार्य परमिष्ठी के लिए होता है कि नेव विनाशय समधिम, है ना, और वो कभी भी समिति आदि का भी विनाश करके कोई आचरण न करते हैं न करवाते हैं। तो समिति का मतलब जो पांच प्रकार की समितियां हैं, उन पांच प्रकार की समितियों को ईर्ष्या, ईर्ष्णा, भाषा,
है ना, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन आदि, इन पांचों ही समितियों को वह ध्यान में रखते हुए अपना जीवन निकालते हैं, तो ऐसे वह यह बाहरी गुण हैं जिन हम पांच समितियों के माध्यम से हम उनके बाहरी गुणों को देख लेते हैं, और ये भीतरी गुण हैं कि वह कभी ऐसे एकांती मति के लोगों से उनको जो है सम्मोह नहीं करते, है ना, कि मतलब उनके मोह में नहीं पड़ते या उनको मोहित भी नहीं करते। हाँ, तो इस तरह से ये भीतरी बाहरी गुणों से शोभित आचार्य परमेष्ठी निरंतर जयवंत हो, ऐसी भावना। मत एकांत समर्थन करने वालों से ना घुले मिले, ख्याति लाभ की इच्छा से ना मान दिलाते मान मिले, नहीं प्रतिष्ठापन ईर्यादिक समिति गुप्ति का नाश करे, वह आचार्य परम परमेष्ठी जयवंते मति पाप हरे। है ना, मान दिलाते मान मिले, है ना, कई बार ऐसा होता है कि तुम दूसरों को मान सम्मान दो, दूसरा तुमको भी मान सम्मान देगा, तो ये भी एक प्रलोभन होता है ना, सामने वाला चाहता है कि जो है हाँ तो हम आपको मान सम्मान दे रहे हैं तो आप भी हमको मान सम्मान दो, तो एक बड़ी एक विकट स्थिति बन जाती है। तो मान सम्मान एकांती मतों के साथ में जब इस तरह से होने लगेगा तो फिर वह एकांत मत का समर्थन भी होने लग जाएगा, क्योंकि जो अनेकांत दर्शन को जानने वाले लोग होंगे वो फिर ये समझेंगे कि ये एकांत में और अनेकांत में कोई अंतर नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, इस तरह की भीतरी गुणों को भी हमें ध्यान में रख करके आचार्य परमेष्ठी की भक्ति करना चाहिए, है ना। जो नट्ठ मग्ग जीवे संबोही देदि सम्मचारितम् रखदि पड़ो विशिष्ये सो आयरियो सदा जयो, है ना। जो नट्ट मग्ग जीवे, जो अपने मार्ग से नष्ट माने भ्रष्ट हैं, ऐसे जो जीव हैं उनको संबोधित करके देदि सम्मचारितम् उनको वह सम्यक चारित्र प्रदान करते हैं, है ना। संसार में सभी जीव भटके हुए ही होते हैं, तो उनको सही राह पर लगा करके, उनको सही ज्ञान देकर, संबोधन दे करके जो उन्हें सम्यक चारित्र प्रदान कर देते हैं, तो केवल प्रदान ही नहीं कर देते हैं, रखदि पड़ो भी शिष्य, है ना, उन शिष्यों की फिर उस शिष्यों की रक्षा भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि शिष्य को बना लिया, है ना, थोड़ा सा बहला फुसला करके उसको जो है ना दीक्षा दे दी, चारित्र दे दिया और फिर उसको छोड़ दिया और फिर उससे कोई मतलब नहीं या उसकी कोई रक्षा का भाव नहीं, तो ये भी जो है एक अच्छा भाव आचार्यों का नहीं होता। तो इस तरह से ये भी ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि शिष्यों का अनुग्रह करने में कुशल, शिष्यानुग्रह कुशले, है ना, ये हम भक्ति में निरंतर पढ़ते हैं, तो वह शिष्यों का अनुग्रह करने में कुशल होते हैं। तो शिष्यों का अनुग्रह तभी होता है जब हम उन शिष्यों को अच्छे ढंग से ज्ञान दें, संस्कार दें, तो उन शिष्यों की रक्षा होती है। तो केवल जो है उनको सम्यक चारित्र दे देने से उनकी रक्षा नहीं हो जाती है। जैसे कोई भी घर में बच्चा होता है तो हम उसके लिए ज्ञान भी देते हैं तो हम उसकी रक्षा भी करते हैं, है ना, उसका पालन भी किया जाता है। तो उसी तरह से उस बच्चे की तरह ही उस शिष्य का वो पालन करते हैं, किसी भी तरह से उसके अंदर जो कुछ भी त्रुटियाँ होती हैं, कमियाँ होती हैं, उनको वह सोच समझ करके उसे वह इस तरह से समझाते हैं कि वह उन त्रुटियों से अपने जीवन को बचा पाए। तो ऐसी वह शिष्यों की जो रक्षा करते हैं, ऐसे वह आचार्य परमेष्ठी सदा जयवंत हो गए, है ना। हाँ, प्रायश्चित आदि देना भी वह उपकार होता है, और प्रायश्चित देना के साथ साथ जो शिष्य उनसे प्रायश्चित लेते हैं तभी वो अपना उपकार कर पाते हैं। तो आचार्यों के पास में प्रायश्चित लिया जाता है, वो देते नहीं हैं, लेकिन शिष्यों को जब वह अपने त्रुटियों को जान लेते हैं तो उनसे वो अपने गलतियों की प्रायश्चित लेते हैं। तो इस तरह से शिष्यों का एक तो उन्हें मार्ग पर लगाना और फिर उनका रक्षण करना, पालन करना, ये दोनों ही काम आचार्य परमेष्ठी के होते हैं। ऐसे वह आचार्य परमेष्ठी सदा जयवंत हों। मार्ग भ्रष्ट जो जीव है उनको छूट गया, मार्ग भ्रष्ट जो जीव है उनको संबोधन को दे करके
सम्यक चारित ग्रहण कराते शिव सुख का लालच देकर, फिर उस शिष्य की रक्षा करते विषय मोह से पापों से, सो जयवंत रहे आचार्य पितु संपाले प्राणों से। यानी वह पिता के तुल्य होते हैं, पिता की तरह वह उस शिष्य का पालन करते हैं। 88 के पद में, मार्ग भ्रष्ट जो जीव रहे हैं उनको संबोधन देकर, तो इसकी लय बन जाएगी, रहे शब्द छूट गया इसमें, जीव रहे उपजाति छन। विनीत भावेण धरे दिभारम वदस्य शिष्यस्य महाबली जो, सो दिव्य वेजो भव दुखनासी आरोग्य बोहिम खलु देव सत्यम। विनीत भावेण धरे दिवारम, है ना, जो विनीत भाव से धारण करते हैं किसको, भार को, किसके भार को, वदस्य शिष्यस्य, एक व्रतों का भार होता है और एक शिष्यों का भार होता है ना, दोनों तरह के भार होते हैं। हाँ, तो जो व्रत उन्होंने अपने व्रतों का पालन करना, ये अपने व्रतों का भार है, और जो वह शिष्य आदि को बनाते रहते हैं और अनेक दीक्षितों को वह अपने पास में या कहीं पर भी उनको रखते हैं, तो उनका भी भार उन्हीं के ऊपर होता है। तो शिष्य का भी भार वह ढोते हैं और व्रतों के भारों का भी वह पालन करते हैं, है ना। महाबली, इसलिए वो महाबलवान कहलाते हैं, महाबली जो, सो दिव्य वेद जो, ऐसे वे आचार्य दिव्य वैद्य के समान हैं, भव दुख नासी, जो संसार के दुखों का नाश करने वाले दिव्य वैद्य हैं, ऐसे उन आचार्य से हम प्रार्थना करते हैं, आरोग्य बोहिम खलु देव सत्यम, वह हमें आरोग्य बोधि और शक्ति को प्रदान करें। आरोग्य बोधि का मतलब होता है ना, निरोग, मतलब ये शारीरिक दृष्टिकोण से नहीं है, ज्ञान भी या रत्नत्रय भी विकार से रहित होना, इसको आरोग्य बोधि बोलते हैं, है ना। तो निरतिचार, निर्विकार, रत्नत्रय और वह शक्ति मुझे प्राप्त कराए, इस तरह का यहाँ अंत में प्रार्थना की गई, भावना की गई। महाव्रतों का भार धारते निज आत्म में बन अति नम्र, और शिष्य समुदाय पालते महाबली जो पूरी उम्र, भव दुख रोग विनाशन हेतु दिव्य वैद्य बन कर आए, उनसे वक्त प्रार्थना करके बोधि निरोग शक्ति पाए। इस तरह से यह आचार्य भक्ति भावना पूर्ण होती है, और इसी आचार्य भक्ति भावना की हम जो हमने सीखा है, सुना है, उसको ध्यान में रखते हुए हम इसकी जाप भी कर सकते हैं, 127 बार इसकी इस तरह से जाप कर सकते हैं। ओम रीम अरहम आचार्य भक्ति भावना ममास्तु, 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 ओम रीम अरहम आचार्य भक्ति भावना ममास्तु,
ओम ह्रीम अरहम आचार्य भक्ति भावना ममास्तु। 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 ओम ह्रीम अरहम आचार्य भक्ति भावना ममास्तु।